नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी और मैं स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल द वाई बोर्ड ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बोर्ड के रिजल्ट्स के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लगभग सभी बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं। कोरोना महामारी के चलते हालांकि कुछ एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे, तो उनके जो मार्क्स थे वो एवरेज के आधार पर तैयार किए गए। अब मैं सभी सफल छात्रों को जो कि पास हो गए हैं उनके मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ वो भी विद्यार्थी जो फेल हो गए हैं उनके लिए भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो बहुत जल्दी सफल हो जाएं। दोस्तों, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। इनफैक्ट CBSE का रिज़ल्ट तो 12th क्लास का 92% से भी ज़्यादा का आया है। और इस रिज़ल्ट में 38,686 ऐसे बच्चे हैं जिनके 95% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं। और साथ ही साथ 157,934 वो भी बच्चे हैं जो 90% से ज़्यादा मार्क्स लेकर बैठे हैं। और वहीं दूसरी तरफ 87,651 ऐसे बच्चे हैं जो कंपार्टमेंट में हैं। मीन्स सभी वो बच्चे हैं जो कि एक बहुत अच्छे नंबर से पास हो चुके हैं और या फिर जो पास होने की लाइन में लगे हुए हैं। बोर्ड टॉपर्स 100% मार्क्स लेकर पास हुए हैं। ये जो पॉजिटिव रिजल्ट आया ना दोस्तों, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव एस्पेक्ट भी लेकर आया है। ऐसा पर्सनली मुझे कई बार फील होता है कि ये जो नए वाले जो बोर्ड रिजल्ट जो अब आ रहे हैं, ये रट्टाफिकेशन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और इसके लिए एजुकेशन पॉलिसी और हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर दोष देना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा मुझे फील होता है कि एजुकेशन के अंदर में कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स है वो घुसने लगी है। अब देखेंगे, हर साल एक जो स्टेट बोर्ड होता है वो अपने बोर्ड रिजल्ट्स को और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करता है, चाहे उसके लिए एजुकेशन पॉलिसीज़ को कितना भी नीचे गिराना क्यों ना पड़ जाए। CBSE में इस साल का जो 10th का जो रिज़ल्ट आया था, उस रिज़ल्ट में खास बात क्या थी कि अगर बच्चा थ्योरी में फेल हो लेकिन थ्योरी प्लस असेसमेंट में मिलाकर अगर वो बच्चा 33% लेकर आ रहा है तो उसको पास मान लिया जाता है। ये कहीं ना कहीं रिज़ल्ट को अच्छा करने की कोशिश की गई है, शायद इसी वजह से ऐसी पॉलिसीज लाई गई। इससे बच्चे का क्या फ़ायदा होगा, आप ज़रा खुद सोचिए। फ़ायदा तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा, क्योंकि बच्चा थ्योरी में फेल है और इंटरनल असेसमेंट मार्क्स जो हैं वो स्कूल्स के हाथ में होते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि हर कोई स्कूल चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाए, तो वो अपनी तरफ से अच्छे नंबर देने की कोशिश करते हैं। शायद शिक्षा को भी ये राजनीति का हिस्सा मानने लगे हैं। और मेरे ख्याल से यही वजह होती है कि जो यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट यूनियंस होती हैं वो भी किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सर्ड होती है, आप चाहे किसी भी पार्टी को ले लो। दोस्तों, शिक्षा में भाषा साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है। बड़े बड़े लेखकों, महान कवियों की रचनाओं को सिलेबस में इसीलिए डाला जाता है ताकि बच्चे उनकी कल्पनाओं, उनके विचारों को समझें, उनकी ऊंचाइयों को समझें और अपने खुद के आसमानों का निर्माण करें। और इस बार बोर्ड के रिजल्ट की बात कर लेते हैं, 4 कवियों के काव्य सौंदर्य आए थे और बच्चों को 10 out of 10 मार्क्स मिले हैं उसमें। हिंदी सब्जेक्ट में 100 out of 100 मार्क्स का मतलब है कि हर एक क्वेश्चन में उनको 100 out of 100 मिले हैं। तो क्या ये समझ लिया जाए कि उन कवियों की सभी कल्पनाओं की जो ऊंचाइयां थी उनको पूरी तरह समझ लिया गया है, अब वो कविताएं हमारे सिलेबस में रहने लायक नहीं है क्योंकि हमने उन कल्पनाओं को समझ लिया है, तो अब हमें कुछ नया मिलना चाहिए? और क्या हम ये समझे कि इंग्लिश में जो एक क्वेश्चन आया था लेटर टू एडिटर्स, जिसके अंदर में वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात की गई थी, औरतों की समस्याओं के बारे में बात की गई थी, महिलाओं की समस्याओं के बारे में बात की गई थी, उनकी सारी समस्याओं को समझा जा चुका है, उसके सारे समाधान निकाले जा चुके हैं, क्या हम ऐसा मान सकते हैं? तो ये कॉपी चेक करने वाले जो दरिया दिल जो लोग बैठे हुए हैं, इनकी दरिया दिली को हम कैसे समझें? क्या हम ये माने कि जो बच्चा मैथमेटिक्स में और साइंस में जो 100% मार्क्स लेकर आया है, ये साइंस को पूरी तरह समझ चुका है या फिर मैथमेटिक्स को पूरी तरह समझ चुका है? अगर हम इन्हीं बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पर मैथ्स के कंपटीशन में भेजते हैं, जहाँ पर भारत ने 2009 में ऐसा करने की कोशिश की थी, और यकीन मानिएगा दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में नीचे से दूसरे स्थान पर हमारा भारत आया था और उसके बाद फिर कभी वहाँ पर गया भी नहीं। तो ये 100% मार्क्स दिखाकर ये क्या साबित हो रहा है? क्या ये बच्चों के साथ छलावा नहीं कर रहा हमारा एजुकेशन सिस्टम? दोस्तों, एक अच्छा भविष्य पाने के लिए या अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए माँ बाप अपने हैसियत से भी ज़्यादा बड़े से बड़े स्कूलों में, बड़े से बड़े कोचिंग सेंटर्स में बच्चों का एडमिशन कराते हैं ताकि बच्चा अपने भविष्य को रोशन कर ले। लेकिन यहाँ से क्या होता है, मार्क्स की रेस शुरू हो जाती है। 90%, 94%, 98%, 99%, 100%। भैया, बच्चों के मार्क्स चेक कर रहे हो या उनके बॉडी टेम्परेचर नाप रहे हो आप लोग? 80s 90s के अगर हम दौर में चलें तो
50% लाने वाला बच्चा बहुत होशियार माना जाता था, 60% पर तो मिठाइयाँ बढ़ जाती थी अगर बच्चा फर्स्ट डिवीज़न आ जाता था तो। आज की तारीख में 99% लाने वाले बच्चे भी रो रहे होते हैं कि मेरा 1% कहाँ छूट गया। और सबसे ज़्यादा दयनीय बात तो ये है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे बोलते, भैया तुम क्या पढ़ते हो, हमारे ज़माने में पढ़ाइयाँ अच्छी होती थी। उनके बड़े बुजुर्ग उनसे बोलते थे कि भैया तुम क्या पढ़ते हो, हमारे ज़माने में अच्छी पढ़ाई होती थी। और अगर यही ढर्रा चलता रहा तो यकीन मानना ऐसा भी दिन आएगा जब आप अपने बच्चों से बोल रहे होगे, भैया तुम क्या पढ़ाई करते हो, हमारे ज़माने में अच्छी पढ़ाई होती थी। तो क्या ये ऐसी साजिश तो नहीं कि एजुकेशन सिस्टम को धीरे धीरे करके डाउन कर दिया जाए? सोचने वाली बात है दोस्तों। अब ज़रा बात करते हैं इनके फ्यूचर की इमेजिनेशन में। DU के अंदर में 62,000 सीट्स हैं एडमिशन के लिए, जिसमें BA, BCom और BSc की पढ़ाई होगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 157,934 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 90% से ज़्यादा मार्क्स गेन किए हैं। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि BA, BCom, BSc जैसे कोर्सेज के लिए भी 90% से ज़्यादा की कट ऑफ जाएगी? और ये मैं लास्ट कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, जो इनकी चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं लिस्ट आती है। यही बच्चे IITs, IIMs में एडमिशन्स लेंगे, वहाँ पर और अच्छे मार्क्स लेकर ये पास होंगे, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इनको हायर करेंगे। और जब ये वर्ल्ड लेवल पर उस चीज़ को लेकर जाएंगे तो वहाँ पर वही कंपनीज कहेंगे कि भारत के छात्रों में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स नहीं है, इनके हमें दोबारा ट्रेनिंग करानी पड़ती है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के को-फाउंडर ऐसा भी कह देते हैं कि भारत के बच्चों में क्रिएटिविटी लेवल ही नहीं है, क्रिएटिविटी स्किल्स ही नहीं है, और हमें बुरा लग जाता है। क्या वो सच नहीं कहते? 500 में से 499 मार्क्स लेने वाले बच्चे रो रहे होते हैं कि उन्होंने क्यों सोशल मीडिया पर अपना टाइम बिताया। उन्हें दुख है अपने 100% एंटी सोशल ना हो पाने का। दोस्तों परेशानियां तो बहुत हैं, प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं, पर इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं बात कर लेते हैं जरा इसके बारे में। सबसे पहली चीज़ तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए कि प्रैक्टिकल नॉलेज को ज़्यादा ध्यान दिया जाए। एकेडमिक एक थ्योरेटिकल जो नॉलेज है वो एक अच्छी चीज़ है, वो भी बताएं, लेकिन साथ ही साथ उसके प्रैक्टिकल्स भी करें। अब देखिए प्रैक्टिकल नॉलेज क्यों ज़रूरी है, आगे चलकर मैक्सिमम बच्चों के सामने दो ऑप्शंस होते हैं। एक, या तो बच्चा जॉब करेगा या फिर बच्चा बिजनेस करेगा। अगर बच्चा जॉब करता है तो जिस फील्ड में उसको जॉब करनी है वहाँ की प्रैक्टिकल नॉलेज उसे होनी चाहिए। और अगर बच्चा बिजनेस कर रहा है तो जिस बिजनेस में वो जाना चाहता है उसकी भी प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। इस एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए सबसे पहले पेरेंट्स को, टीचर्स को समझना होगा कि ये बच्चे कच्चे मिट्टी हैं, आप इनको जो रूप देना चाहोगे उस रूप में ढल जाएंगे। इनको आप जिस तरीके से तैयार करोगे उस तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे में पेरेंट्स को और टीचर्स दोनों को ये चाहिए कि मार्क्स को आधार ना बनाए, ये नंबर्स को बेस ना बनाया जाए बच्चों की सक्सेस का, उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, उनके क्रिएटिविटी स्किल्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। हो सकता है कि एक बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा ना हो वो एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है वो बच्चा एक अच्छा स्पीकर हो सकता है वो बच्चा एक अच्छा सिंगर हो, अच्छा डांसर हो, अच्छा एक्टर हो सकता है बच्चा एक अच्छा साइंटिस्ट बने। तो उसकी क्रिएटिविटी पर फोकस करना हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स का प्राइमरी गोल होना चाहिए। देश की सारी बड़ी प्रोफाइल्स आप उठा लीजिए, जितनी भी जॉब प्रोफाइल्स है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, वहाँ पर आप देखेंगे जितने भी टॉप लेवल पर जो बैठे हुए जो लोग हैं वो लोग एजुकेशन के मामले में एवरेज स्टूडेंट्स थे। अब बॉलीवुड की बात कर लीजिए, आप जो फिल्म इंडस्ट्री जिसको हम आज का टैलेंट मानते हैं उसकी भी बात कर लीजिए, तो वहाँ पर मैक्सिमम जितने भी टॉप लेवल पर जो बैठे हुए जो स्टार्स हैं उनका शायद पढ़ाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आप स्पोर्ट्स की बात ले लीजिए, मैक्सिमम ऐसे टॉप लेवल के प्लेयर्स हैं जो कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाए। और तो और आप पूरे वर्ल्ड की बात ले लीजिए, जितने भी टॉप लेवल पर बैठे हुए जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके फाउंडर्स, उनके को फाउंडर्स कहीं ना कहीं एजुकेशन पर पीछे रह गए थे। और इनफैक्ट आप बड़े बड़े साइंटिस्ट को ले लीजिए, उनकी एजुकेशन तक पूरी नहीं हुई थी लेकिन फिर भी वो साइंटिस्ट बने, चाहे वो न्यूटन की बात हो, चाहे वो थॉमस एडिसन की बात हो, चाहे वो जेम्स वाट की बात हो। तो दोस्तों ऐसे में हमें क्या करना है, माँ बाप को समझना होगा, बच्चों को समझाना होगा और इस समाज को एक्सेप्ट करना होगा, तब कहीं जाकर हम उस भारत की कल्पना कर सकते हैं जो है हमारा सपनों का भारत,
विश्व गुरु भारत। तालीम नहीं दी जाती परिंदों को ऊंची उड़ानों की, तालीम नहीं दी जाती परिंदों को ऊंची उड़ानों की, वो खुद ही समझ जाते हैं ऊंचाइयां आसमानों की। जय हिंद, जय भारत।